यदि देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा हार्मोन्स की समस्याएं होने लगती हैं। यदि हार्मोन्स ज्यादा बदलाव होते हैं तो उन्हें समस्याओं का सामना भी ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम एम्प्टीटोन सिरप के बारे में बात करेंगे। एम्प्टीटोन सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश आकी और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। एम्प्टीटोन एक ऐसा हर्बल टॉनिक है जो महिलाओं से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। ये महिलाओं की एमसी से संबंधित मानसिक तनाव को दूर करके, उनकी कमजोरी को दूर करके उनको स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये मेरे हाथ में एम्प्टीटोन सिरप है। ये एम्प्टीटोन सिरप का ब्रांड नेम दिया गया, ये कंपनी का नाम दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बताया गया ये 200 ml में आती है। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो ये कंटेंट टोटल हर्बल है, आयुर्वेदिक कंटेंट है ये सारे कंटेंट, और ये सारे कंटेंट आप ना महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक करके इसका नाम नहीं बताऊँ क्योंकि इसमें काफ़ी है और ये आपको काफ़ी समय लग जाएगा, इस चक्कर में आपको एक एक करके कंटेंट नाम नहीं बता रहा हूँ। चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है MRP के बारे में बात करें तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3/2018 है और इसकी एक्सपायरी 2/2021 है, और इसकी MRP के बारे में बात करें तो ये 106 रुपये की एक सिरप है और ये महंगी नहीं है। इस जो प्रॉब्लमों के लिए है, जिस प्रॉब्लम के लिए ये यूज़ की जाती है उसके हिसाब से ये महंगी नहीं है। इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये इसकी प्लास्टिक पैकिंग में आती है। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो इसको लिक्योरिया में आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो वाइट डिस्चार्ज, उन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब महिलाओं में किसी भी प्रकार की कमजोरी की प्रॉब्लम रहती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। जिन महिलाओं को MC के समय पेट में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। जिन महिलाओं को MC के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है या किसी प्रकार की कमजोरी या वीकनेस की समस्या रहती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। मेनोरिया में आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब MC के समय बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिसमेनोरिया में इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब महिलाओं को MC के समय बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। ओलिगोमेनोरिया में आप इसका यूज कर सकते हो, मतलब MC 1-2 दिन आके रुक जाती है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। डिसफंक्शन यूटेरिन ब्लडिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब यूटेरस से ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप एमोनोरिया में भी इसका यूज़ कर सकते हो, जिन महिलाओं की MC बंद हो जाती है, MC नहीं आती उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। यूटेरस में किसी प्रकार का खिंचाव रहता है, दर्द रहता उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। नेविलेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। एमटी पिट यूज करने के बाद यदि आपके मंथली सर्कल बिगड़ जाता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी की प्रॉब्लम है, MC से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूटेरस में किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक आप इस एम्प्टीटोन सिरप का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो आपको 10-10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद में इस सिरप का यूज करना है। चलिए इसके साइड डिफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह सूखने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे भी ये हर्बल टॉनिक है, इस कोई ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि आप इस टॉनिक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेसन के कुछ सामान का यूज़ नहीं करना, आपको तली हुई चीज़ का यूज़ नहीं करना, आपको चाय कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना है, और आप किसी भी बाहर का सामान को कोई भी यूज़ नहीं करना है। तो आप इस तरह से आप इस सिरप का यूज़ करेंगे और इन चीज़ों का नहीं लेंगे तो आप देखिए आप इसका रिज़ल्ट मतलब बहुत ही अच्छा है। आप बेझिझक होकर इस टॉनिक का यूज़ करें, आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।